इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 2, जिसमें है मेजरिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? रिकॉल दैट व्हेन योर यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो आपने कभी कोई थर्मोमीटर देखा है? क्योंकि घर में जब भी किसी को फीवर हो जाता है या बुखार होता है तो उसका हम टेम्परेचर थर्मोमीटर से लेते हैं, तो सबने ही जनरली थर्मोमीटर देखा होता है। और उस थर्मोमीटर को जिससे हम फीवर लेते हैं उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं, क्योंकि ये जो ये थर्मोमीटर है ये सिर्फ बुखार नापने के काम आता है और बाकी चीज़ों का टेम्परेचर इससे नहीं नापा जाता है। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। इफ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। तो आप जब थर्मोमीटर को होल्ड करते हैं तो इस तरफ से होल्ड करते हैं, यहाँ से, यहाँ पर आप हाथ से उसको पकड़ते हैं और उसके अंदर देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक नैरो ट्यूब होती है, इतनी लंबी ये ट्यूब है, और इसके अंदर एक बल्ब है। ये बल्ब है, छोटा बल्ब जो कि आप देख सकते हैं, ये बल्ब है, और इसमें मर्क्यूरी है यानी कि पारा है। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है, सिल्वर कलर, ये मर्क्यूरी है। और बल्ब के बाहर एक थ्रेड है, ये जो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये जो सिल्वर या ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये अंदर इसमें ये एक थ्रेड है जो कि मरकरी यहाँ से निकल के ऊपर आ रही, जब टेम्परेचर लेते हैं तो ये मरकरी ऊपर आ जाती है और यही हमको टेम्परेचर बताती है। और अगर आपको ये थर्मोमीटर जब आप हाथ में पकड़ोगे और आपको मरकरी नहीं दिख रही होगी तो आप इसको थोड़ा हल्का सा ऊपर रोटेट करोगे तो आपको दिखना लग जाएगी ये सिल्वर कलर की मर्करी जो कि यहाँ 35 डिग्री तक है, 37 डिग्री तक दिख रही है, जो ये है, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर में जो दिख रही है ये मर्करी है, लेकिन एक्चुअली ये सिल्वर कलर की होती है जब एक्चुअल थर्मामीटर में हम देखते हैं। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ये एक स्केल दिख रहा है हमको, 35 से 42 तक लिखा है ऊपर की तरफ, तो ये जो है ये सेल्सियस स्केल है, डिग्री सेल्सियस स्केल, जिसको डिग्री सी बोलते हैं, और ये टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं हम। जैसे आप ये 36 देख सकते हैं, 37 देख सकते हैं, तो इसी तरह ये हमने बड़ा करके दिखा, एनलार्ज करके दिखाया हुआ है आपको, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है जिस पर हम फीवर मेजर करते हैं। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ये थर्मोमीटर है इसमें आप देख सकते हैं, ये अगर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे हम आपको, ये 35 से 42 डिग्री तक ये स्केल है, ये 35 है और ये 42 है, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 एंड 42। तो 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड इसका स्केल है। Now is the activity 4.2. Reading a thermometer. तो थर्मोमीटर को रीडिंग कैसे करते हैं उस पर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। ऑल्सो नोट दैट द नंबर ऑफ डिविजन्स शोन बाय स्मॉल मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स। सपोज द बिगर मार्क रेड 1 डिग्री एंड देर आर 5 divisions between them, then one small division can read 1/5 equal to 0.2 degree centigrade. So, उसको पढ़ते कैसे हैं, उसको हम सीख लेते हैं, रीडिंग को कैसे रीड करना है हमें थर्मामीटर पे। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो इसमें अगर लेट से हमें अगर किसी का टेम्परेचर लेना है
तो जो ये मार्क है, अगर मान लिया कि ये मरकरी यहाँ पर आई है, यहाँ पर, तो जो ये मार्क है इससे पहले वो उसका टेम्परेचर होता है 37। जैसे यहाँ 37 से आगे है मरकरी, तो 37 हो जाएगा और फिर पॉइंट आएगा, और फिर जो ये 10 पार्ट्स दिख रहे हैं हमें, आप इसमें देख सकते हैं, ये 10 पार्ट्स है 36 से 37 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेट्स से ये यहाँ तक है, 6 तक, तो हम लिखेंगे 0.6। तो ऐसे हम टेम्परेचर को रीड करते हैं थर्मोमीटर पे। तो इसका अभी का टेम्परेचर है, जो ये यहाँ पर ये डॉट लगाया है हमने, ये यहाँ पर इसका टेम्परेचर है 37.6। अभी हाउ टू यूज इट, वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले यूज करने से पहले हमें थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए, और उसके बाद उसको पकड़ करके, उसको अच्छे से पकड़ना है हाथ में, उसको जोर से झटकाना है, फ्यू जर्क्स, बेसिकली जर्क देने हैं 2-4 बार, ताकि जो टेम्परेचर मरकरी जो ऊपर आ गई है, 37 तक पहुंच गई है, वो 35 डिग्री से नीचे चली जाए। यानी जब हम इसको झटकाएंगे, जो जोर से झटकेंगे, तो ये जो मरकरी ऊपर आई हुई है यहाँ पर, ये नीचे आ जाए, 35 से भी नीचे हो जाए, यहाँ तक आ जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड इन द यूनिट्स, दैट इज डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले आप जब थर्मोमीटर को झटक लेते हैं, और जो मरकरी है 35 से नीचे आ जाती है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो उसको बल्ब को, जो मरकरी वाला बल्ब है हमने आपको बताया था, उसको अपने जीभ के नीचे रखना है, टंग के नीचे, और 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर को निकाल कर उसकी रीडिंग नोट करनी है। तो जो रीडिंग आएगी, जो हमने आपने अभी सीखी है कि कैसे रीडिंग करना है उसको, वो ही आपका बॉडी का टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारा उस टाइम टेम्परेचर आया था 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट दैट टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। तो जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि स्मॉल क्वेश्चन में भी आ सकता है, और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, कि व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हम लिख सकते हैं 37 डिग्री, और फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डैश डिग्री सेंटीग्रेड। तो वी कैन राइट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर को हमेशा उसकी यूनिट के साथ लिखना है, दैट इज डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.3, जो आपको करनी है, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10 विद अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। सो ये एक टेबल है, इसमें 10 रोज बनानी है आपको, ऐसे टेबल में बना करके, और 10 फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं यहाँ पर, जैसे कि अक्षय, राम, मोहन, ऐसे ही 10 रोज बनाने हैं। 10 रोज बना करके उसमें हर एक फ्रेंड का जो टेम्परेचर आप लेंगे थर्मोमीटर से, उस टेम्परेचर की रीडिंग लिखनी है। यहाँ पर लेट्स से 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तरह से हमको 10 फ्रेंड्स की कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर लिखनी है, और उनका टेम्परेचर भी। और फिर जब ये हम इसको लिस्ट को लिख लेंगे, टेम्परेचर लिख लेंगे टेबल में, तो हमें ये देखना है, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर,
एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। सो जो एवरेज टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है किसी भी इंसान का, और वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और हम इसको बेसिकली एवरेज टेम्परेचर लेके चलते हैं कि अगर हम ज़्यादातर लोगों का टेम्परेचर लें तो ज़्यादातर लोगों का 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव 42 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज द रीज़न दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ अ रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ये सिर्फ ह्यूमन यानी इंसानों का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए बनाया गया है। और इसमें जो स्केल है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री तक है, क्योंकि इसी रेंज में जनरली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, और इससे नीचे या इससे ऊपर नहीं हो सकता। अभी हम देखेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर, बट बिफोर दैट अ वर्ड ऑफ कॉशन, सावधानी जरूरी है। Do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any other object than the human body. Also avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame. It may break. तो इसमें लिखा है कि आप एक सावधानी जरूरी है ये कि आप जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है जिससे हम फीवर लेते हैं बॉडी का, उससे सिर्फ ह्यूमन बॉडी का फीवर लेने के लिए यूज़ करना चाहिए और उसको किसी और चीज़ को टेम्परेचर मेजर करने के लिए नहीं लेना चाहिए। और दूसरा, उसको सन में या फ्लेम में यानी धूप में या आग के पास नहीं रखना चाहिए, वो टूट सकता है। अब हम देखते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर एक अलग थर्मोमीटर होता है जिसका यूज हम करते हैं बाकी चीजों का टेम्परेचर लेने के लिए, जैसे कोई उबलता हुआ पानी है या मिल्क है या कोई और केमिकल है, कुछ और चीज है जिसका हमें टेम्परेचर लेना है, तो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं। So how do we measure the temperature of other objects? For this purpose, there are other thermometers. One such thermometer is known as laboratory thermometer. तो जब बाकी चीज़ों का अगर हमको temperature लेना होता है human body के अलावा, तो हम laboratory thermometer use करते हैं। The teacher will show you this thermometer. तो ये थर्मोमीटर आपके टीचर्स आपको दिखा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर बना हुआ है, ये टेम्परेचर जो ये बीच में येलो कलर या ग्रीन कलर का जो है, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है जिसमें कि 110 डिग्री तक टेम्परेचर दिया हुआ है, जीरो माइनस 10 से 110 डिग्री तक टेम्परेचर है जो दिया हुआ है। लुक एट इट carefully and note that highest and lowest temperature of it measure is measured. The range of the laboratory thermometer is generally from minus 10 degree to 110 degree C. तो हम देख सकते हैं ये minus 10 degree है, ये 0 है और ये minus 10 है, और ऊपर की तरफ 110 degree plus है, तो 110 degrees तक temperature हम measure कर सकते हैं। Also you did In the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. You would need this information to read the thermometer correctly. Let us now learn how to use this thermometer. तो जैसे हमने उस क्लिनिकल थर्मोमीटर में किया था कि एक जो पार्टीशन है उसकी रीडिंग वो कितना रीड करता है थर्मोमीटर में, इसी तरह से हमें इसका भी रीडिंग पता करना चाहिए कि इसमें कितना रीड करता है थर्मोमीटर में। उसको हम आगे देख लेते हैं एक्टिविटी 4 में। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। तो एक हम वाटर ले लें बीकर में या मग में, और उसको थर्मोमीटर को ऐसे उसके अंदर डिप करें पानी में कि वो बिल्कुल बॉटम को टच नहीं करे और साइड्स को भी टच नहीं करे, बिल्कुल बीच में रहे और डूबा रहे, उसका जो ये पार्ट है ये वाला पार्ट ये डूबा रहे जो बल्ब है। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, और आपने वर्टिकल थर्मोमीटर को ऐसे पकड़ना है जैसे ये एक बीकर है और ये थर्मोमीटर है, तो आपने ये थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो ये पानी में डला रहना चाहिए। तो ये थर्मोमीटर का बल्ब है, ये पानी में होना चाहिए और उसको अच्छे से सीधा पकड़ना वर्टिकली।
ऑब्जर्व द मोमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर, और देखेंगे मरकरी आप ऊपर की तरफ चढ़ रहा होगा, ऐसे इस थर्मामीटर में ऊपर की तरफ आ रहा होगा। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, और आप तब तक इसको पकड़े रखें जब तक कि जो मरकरी है, मरकरी का जो थ्रेड है, लाइन जो है, वो एकदम रुक नहीं जाती कहीं आके। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। जैसे ये है बीकर, तो बीकर में ऐसे आपने रखना है इसको, थर्मामीटर को पानी के अंदर, जिसमें बल्ब यहाँ पर अंदर रहेगा, और थोड़ी देर आप उसको होल्ड करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये मरकरी रीडिंग, ये मरकरी जो है ऊपर जाता रहेगा, और जितना टेम्परेचर इसका होगा वहाँ जा करके ये रुक जाएगा। और जब ये एक बार रुक जाता है तो हम उसकी रीडिंग बीकर के अंदर रखे रखे ही पढ़ लेते हैं। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास। आर देर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल रीजन, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये सभी बच्चों को करना होगा स्कूल में, ये जो एक्टिविटी है, और हर एक बच्चे का टेम्परेचर कंपेयर करना है कि उसके थर्मामीटर से कितना टेम्परेचर आया है। तो हो सकता है कि टेम्परेचर अलग अलग आए, इसके रीजन ये है कि एक बच्चे ने पहले किया, एक बच्चे ने बाद में किया, तो उसके बीच में ये वाटर का टेम्परेचर चेंज हो गया। तो इस तरह से कुछ सिचुएशंस रहती हैं जिसके कारण से टेम्परेचर वेरी हो सकता है, यानी अलग अलग आ सकता है दो थर्मामीटर का। तो अब है एक्टिविटी 4.5। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली वॉट हैपन्स नाउ। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर, द लेवल ऑफ मरकरी बिगेंस टू फॉल। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। तो अगर हम एक बीकर में हॉट वाटर लें, हॉट वाटर में थर्मामीटर को इमर्ज कर दें जैसे हमने पहले किया था एक्टिविटी में, और बल्ब को यहाँ लगा दें और उसको वर्टिकली सीधा खड़ा कर दें, और थोड़ी देर के बाद जो मीटर रीडिंग आती है, जो मरकरी की रीडिंग आती है, मान लिया यहाँ पर पहुँचा है, तो ये रीडिंग को हम नोट कर लें, और उसके बाद थर्मामीटर को हम आउट कर दें। जब हम थर्मामीटर को इससे आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो हम देखेंगे कि जो इसका टेम्परेचर है वो, मरकरी जो है धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो ये टेम्परेचर है, ये जो मरकरी है, ये मरकरी सिर्फ उसी टाइम तक बढ़ेगा जब तक कि ये ग्लास में पड़ा है, जब तक वो उस आइटम में पड़ा है जिसका हमें टेम्परेचर चेक करना है। और जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे तो मरकरी का लेवल चेंज हो जाएगा, यानी मरकरी का लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्लिनिकल थर्मोमीटर में नहीं होता है। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें जब हमें टेम्परेचर लेना होता है तो हमें अपने मुंह से बाहर निकालते हैं थर्मोमीटर को, तभी रीडिंग लेते हैं। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर? ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज। लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, क्या हम उसे यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि वो जो थर्मोमीटर है, वो जैसे ही आप उसको मुंह से, अपने माउथ से बाहर निकालेंगे, वैसे ही वो मरकरी नीचे आने लग जाती है। वाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ? तो ये जब क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम मुंह से बाहर निकालते हैं तो मरकरी उसमें नीचे नहीं आती है। जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो मुंह से बाहर निकाल के चेक करते हैं, लेकिन उस टाइम तक मरकरी नीचे नहीं आती है। तो क्यों नहीं आती है? उसका कारण है क्योंकि उसमें किंक होता है एक, जहाँ पर वो मरकरी जो है रुक जाती है। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, यू विल सी अ किंक नियर द बल्ब। तो आप ये देखेंगे, ये बल्ब है और ये किंक है, ये किंक है, यानी किंक मतलब एक ऐसा खाली जगह है जहाँ पर मरकरी आकर के सेट हो जाती है, और इसलिए वो फिर टेम्परेचर, अगर मान लिया यहाँ तक मरकरी आई है, तो वो डाउन नहीं होती है मरकरी लेवल उसमें। तो ये इसलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर
में जो मरकरी का लेवल है वो डाउन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें एक किंक है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ किंक इन इट। तो ये एक फिल इन द ब्लैंक्स या वैसे क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से जो आपको याद रखना है किंक। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर्स। मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। तो आजकल जो ये मरकरी वाले थर्मोमीटर पहले आते थे क्लिनिकल थर्मोमीटर जिनमें मरकरी होती है, ये थोड़ा सा क्योंकि मरकरी एक पॉइजनस सब्सटेंस है यानी उस जहरीला होता है, तो उसको यूज़ करने के लिए लोग आजकल डरते हैं। और इसको जो अगर ये टूट जाता है तो मरकरी थोड़ा टॉक्सिक होता है यानी पॉइजनस होता है, इसके लिए उसको जो है फेंकना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आजकल जो है डिजिटल थर्मोमीटर आ गए हैं जो ऐसे लगते हैं जो आप देख सकते हैं, इसमें इसमें मरकरी यूज़ नहीं होती है बल्कि इसमें ये डिजिटल थर्मोमीटर है जिसमें डिजिट्स में रीडिंग आ जाती है। तो आपको रीडिंग मरकरी की रीडिंग पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ डेवलपमेंट हुआ है जिसमें कि हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर को यूज़ करने लगे हैं। तो यहाँ पर ये इसका ये पार्ट कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट।